हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। ये सब्जी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप इसे एक बार खा लेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, तेजपत्ता, साथ में हम लेंगे अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज। सूखे मसाले में हम लेंगे नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा और गरम मसाला। साथ में हमें चाहिए सोयाबीन, हरी मटर। सारा सामान हमारा तैयार है। अब चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, फिर इसमें हम सोयाबीन को डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी में झाग बन गई है, सोयाबीन भी अच्छे से उबल गया है। तो इसके बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे, फिर इसमें हम ठंडा पानी मिलाएंगे और सोयाबीन को पहले हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से हम साफ पानी लेंगे और उसमें सभी सोयाबीन को डाल देंगे। फिर इसे दोबारा हाथ से अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे। इससे सोयाबीन का टेस्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे, साथ ही इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, फिर इसमें हम अदरक, लहसुन और टमाटर डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाला का पेस्ट बनकर तैयार है। इसके बाद हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसके बाद इसमें हम बॉईल किए हुए सोयाबीन को डाल देंगे। सोयाबीन को डालकर इसको अच्छे से चलाएंगे। अगर ये कढ़ाई में थोड़ा बहुत चिपकता है तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से चलाते जाइए और इसे 2-3 मिनट तक भून लीजिए। इससे सोयाबीन का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सोयाबीन के ऊपर हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट आने लगे हैं। इसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी सोयाबीन जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। इसके बाद इसमें हम तेजपत्ता डालेंगे, फिर इसमें हम जीरा डालेंगे, इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, हल्का सा चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालकर प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज जो है वो एकदम से गुलाबी ना हो जाए। प्याज जब अच्छे से भून जाए तो इसके बाद जो मसाला का पेस्ट हम तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मसाले को हम भूनेंगे। मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम मटर डाल देंगे। अब मटर डालकर मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे और इसके बाद इसमें हम फ्राई किए हुए सोयाबीन को डाल देंगे। सोयाबीन को भी हम मसाले के साथ 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोयाबीन जो है वो अभी से ही कितना टेस्टी दिख रहा है, लेकिन हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। तो इसके लिए हम पानी डालेंगे। पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला को हम अच्छे से कूट लेंगे और सब्जी में जब उबाल आ जाए तो इसके बाद इसमें हम गरम मसाला को डाल देंगे। इसके बाद इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे देसी घी। इसके बाद इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक और पका लेंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। इसे हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर गार्निश करेंगे।
इस सब्जी को आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी मेरे इस तरीके से एक बार सोयाबीन की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।